नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। हम 72 घंटे में आप लोगों की एनर्जी चेकिंग करेंगे, आपकी और आपकी पर्सन की, साथ ही साथ देखेंगे आपकी पर्सन की एक्शन क्या हो सकती है 72 घंटे में। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, शेयर से, कॉमेंट से हमें ये लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हो और अपना प्यार भी दे रहे हो। देख लेते हैं 72 आवर्स के लिए आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स, आपकी करेंट फीलिंग्स और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। ये रीडिंग आप 72 घंटे तक ही खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 72 घंटे तक। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप डिटेल्स पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है 72 घंटे में। पेज ऑफ कप्स, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप लोगों में। एम्परर, अरे बाप रे बाप, एरीज ये आपकी रीडिंग है और आप ही का कार्ड आ गया। थ्री ऑफ सोर्ड्स, बंदे का दिल टूटा हुआ है, ये माफी का उम्मीद कर रहे हैं आपसे, करेंगे। इन 72 घंटे में एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, हो सकता है ये आपकी एनर्जी है। इन 72 घंटे में ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपसे माफी की उम्मीद करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, उनको परेशान किया है। जो भी परेशानी रिश्ते में है ये आप ही की वजह से है, तो माफी आप ही को मांगनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो उसी वजह से भी ये आपसे माफ़ी की उम्मीद करेंगे, या फिर माफ़ी मांगने के बारे में कभी अगर सोचा तो भी उस तरीके से सोचेंगे बच्चों के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है बंदा, करेंगे इन 72 घंटे में, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आपने किसी वजह से, किसी और की वजह से हो सकता है, अपनी वजह से, किसी बातों से, किसी कारण से बंदे का दिल टूटा हुआ है, इसीलिए ये आपसे माफ़ी की उम्मीद करके बैठा रहेगा इन 72 घंटे में। या फिर किसी किसी के लिए, अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, आपसे यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम बच्चों के लिए आप उनके साथ हो जाओ। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या होगी। एरीज यानी मेष राशि, देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या होगी इन 72 घंटे में। एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, इन 72 घंटे में आपकी करंट फीलिंग्स क्या होगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप बातों को अपने सीने से लगा के रखोगे, लेट गो करना पड़ेगा आपको। आपको थोड़ा, मुझे लगता है आपको कंट्रोल इशू भी हैं, आपको या फिर आपके पर्सन को। यस, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, आपकी पर्सन को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। देख लेते हैं फोर ऑफ कप, सारे फोर के कार्ड आ रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, देखो कार्ड कैसे बदल जाते हैं। आ रहे थे फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, बाद में आ गया सिक्स ऑफ कप्स, मतलब आपको
क्या बताएं, आप कुछ देर तक अपने दिल में कुछ बातें दबा के रखोगे, शिकायतें होगी, परेशानी होगी, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो यहाँ दिल टूटने का, दिल जलने का मामला तो है। आप उस बात से दुखी रहोगे कि वो आपको समझ नहीं पाए, वो आपको गलत समझ रहे हैं, ये वो, उसने आपको धोखा दिया या फिर आपने उनको धोखा दिया, उसने आपको गलत कहा या आपने उनको गलत कहा, इस तरीके की सोच आप में रहेगा इन कुछ घंटों तक, हो सकता है एक दिन पूरे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप में चेंजेस आने लग जाएंगे। फिर आप सोचोगे चलो जो हुआ सो हुआ, लेट गो करते हैं। ये आप चीज़ को पहले दिल में दबा के रखोगे, सीने से लगा के, मतलब नहीं मेरे को ये कहा, मेरे को वो कहा, उसे इस तरीके से बात किया, मुझे झूठा कहा, ये वो जो होते हैं रिश्ते में। लेकिन कुछ देर बाद आपको ये लगेगा चलो नहीं बा यही अच्छे हैं, इसके साथ रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं, झगड़े को आगे ना बढ़ाया जाए। एक बात मैं भी कहूँगी आपको, हर किसी को, मुझे आपको हर किसी को रिश्ते में वक्त देना पड़ेगा, रिश्ते को समझने के लिए रिश्ते को वक्त देना पड़ेगा। बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन ना लिया करें, बहुत जल्दी किसी भी रिश्ते से बाहर ना जाया करें, कि ऐसे डिसीजन ना ले लिया करें कि चलो ये चलता नहीं है, ऐसे ऐसा होता नहीं है। आपको हर चीज़ में वक्त देना पड़ेगा। देखो धीरे धीरे आप अपने ही माइंड के सिचुएशन को देखो, पहले फोर ऑफ पेंटाकल्स, फिर फोर ऑफ कप्स, और देखो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब जब आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, जब आप समझ रहे हो, जब आप अच्छे चीज़ों को भी देखने लगोगे, तब आपको लेट गो करने की एक कला आ जाएगी कि चलो जो हुआ सो हुआ, चलो रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी आप में आ जाएगा। जब आप लेट गो करना सीख जाओगे, माफ़ करना, माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, या फिर अगर आपके पर्सन आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है या फिर माफ़ी मांग रहा है, तो आपको माफ़ कर देनी चाहिए, रिकॉन्सिलेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे उस एनर्जी में चले जाओगे। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। अगर ये अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन ले सकते हैं इन 72 घंटे में, अगर ये बंदा या बंदी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगा या लेगी तो क्या लेगा, देख लेते हैं 72 घंटे में इनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, 72 घंटे में इनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है इन 72 आवर्स। वाह, प्यार तो होना ही था। देखो एट ऑफ पेंटिकल्स, बंदा मेहनत कर गया, ये माफ़ी मांगने आ रहा है भाई, मेहनत करेगा रिश्ते में, रिश्ते को लेके डिसीजन लेगा। ही और शी मैडली एडिक्टेड टू यू, ये बंदा रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोचेंगे भगवान के भरोसे। ये मतलब आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, बहुत मैच्योर लोगों की एनर्जी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो है ना बचकाने, जो हरकतें होते हैं, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, रिश्ते के अंजाम को पता नहीं, मिल लिए, लड़ लिए, झगड़ा कर लिए, फिर दोनों दो तरफ मुंह करके चले गए, फिर गुस्सा जब कम हुआ फिर दोनों एक दूसरे की तरफ चले आए। इस तरीके का रिश्ते वाला कोई बंदा या बंदी का एनर्जी कैच कर रहा है आज का ये कार्ड जो है। उम्र की कोई बात नहीं होती है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये, मैं भी अभी 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 मैंने कहा कि कम उम्र की नहीं, उम्र की कोई बात नहीं है। कुछ लोगों में बहुत प्यार होता है फिर भी वो लड़ते रहते हैं हमेशा, मतलब यही उनका प्यार का एक अलग तरीका होता है कि जब भी मिलो दोनों म्याओं 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 लड़ते रहे, फिर दोनों दोनों तरफ चले गए, फिर दोनों एक साथ हो गए, ये एक तरीके का प्यार होता है। तो जिसका भी एनर्जी आ रहा है, बंदा रिश्ते को लेके डिसीजन लेने के बारे में सोचेगा, प्यार की बातें करेंगे, ये रिश्ते को दोबारा मौका भी देगा, चैरियट के कार्ड आए हैं और ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए भी राजी हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एरीज हो सकता है, एरीज आप खुद हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कोई टॉरस वर्गो,
हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, कोई कैंसर भी हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन आपको एनर्जी के साथ जाना चाहिए। राशि दिखाई दिया तो मैंने बोल दिया, बंदा मेहनत करने के लिए राजी है, 72 घंटे में वो मेहनत करने के बारे में सोचेंगे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप भी तो सोच रहे हो और प्यार भी तो है दोनों में, तो क्यों नहीं आएगा बंदा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपके तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़। ये कार्ड कितना भी अच्छे से रखूं ये उलट पलट हो ही जाता है कभी 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 इसी जगह पे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इन 72 घंटे में एरीज को क्या करना चाहिए, इन 72 घंटे में एरीज को क्या करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स भाई, माफ़ कर दो, कन्फ्यूजन में ना रहो। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको माफ़ करनी पड़ेगी, नई शुरुआत करनी पड़ेगी, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है भाई, उसको आपको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आपको भी दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देना चाहिए, रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी के पास और ऑप्शन है तो आपको जगलिंग नहीं करना चाहिए, कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए अपने रिश्ते के बारे में, आपको सही डिसीजन लेना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पास और ऑप्शन हो या फिर आपके पर्सन के पास, अगर उनके पास ऑप्शन है भी लेकिन ये फिर भी आपके तरफ आ रहा है तो आपको उस बात को भी सोचना पड़ेगा। कितना भी ऑप्शन हो, अगर इंसान फिर भी किसी और की ज़रूरत महसूस करता है या करती है, इसका मतलब आपकी अहमियत है उनके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी अहमियत नहीं है, अब कम ज़्यादा ये आप जानो, लेकिन मैं ही अपनी तरफ से कह सकती हूँ, क्योंकि जगलिंग का कार्ड भी आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, दोनों आप हो सकता है जगलिंग कर सकते हो पैसे और रिश्ते में, या फिर दो रिश्ते में आप या आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान, ये स्वभाव अलग है, किसी किसी के स्वभाव होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती रखना, बातें करना, मिलना जुलना, वो अलग है। लेकिन अगर दोनों ही ज़रूरत के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं, हो सकता है एक इंसान को दो लोग अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अहमियत कम हो गया है, आपकी भी ज़रूरत है, तभी ये लौट लौट के आपके पास आ रहे हैं, तो आपको भी उनको माफ़ करके दिल बड़ा करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।